नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पंजाब में अभी अकाली भाजपा की सरकार है। आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप जी, नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्या इसका विधानसभा चुनाव पे कुछ असर होगा? ये बहुत मुश्किल है इसका जवाब, वो इसलिए कि असल में सिद्धू जब निर्णय लेना चाहिए था तब उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। मझदार में वो डोलते रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ने की घोषणा की थी, लोहा गर्म था, तब उन्होंने चोट नहीं की। उनकी आम आदमी पार्टी में जाने की लगातार खबरें आती रही, अफवाहें उड़ती रही, कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच भी था, क्योंकि बात चल रही थी उनकी, शायद बात बनी नहीं। फिर वो बहुत समय तक रुके रहे, कांग्रेस में जाने की बात भी सामने आई लेकिन वो गए नहीं, और अब वो कांग्रेस में गए जबकि मामला लगभग ठंडा पड़ चुका था। तो इसमें समझ में ये आ रहा है कि कोई और विकल्प न मिलने की वजह से या दूसरी पार्टियों से उनको जिस तरह महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व नहीं मिलने की वजह से वो आखिरकार कांग्रेस में चले गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अकेले सिद्धू की वजह से कांग्रेस की वहां की स्थिति पर कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी पंजाब में अभी कोई बहुत बेहतर कर नहीं पाई है। उनका पुराना जो जमीन थी वो खत्म हो चुकी है। अकालियों की और भारतीय जनता पार्टी की पैठ वहां पर मजबूत वैसे भी रही है। पिछली सरकार जो थी कांग्रेस की, उसकी जो नकारात्मकता थी उसी का परिणाम रहा कि अकालियों को और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर इतना महत्व मिला और अभी सरकार बनी हुई है। वहां पर अगर ज्यादा कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो परिणाम पर असर डाल सकता है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इतनी बड़ी मोदी लहर में भी 3 सांसद वहां पर जिताए हैं, उसको देखते हुए उनको खुद को भी आम आदमी पार्टी को लगता है कि दिल्ली के बाद कोई राज्य है जहां पर उनको समर्थन मिल सकता है तो वह है पंजाब। तो मुझे लगता है नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस में जाना न तो सिद्धू को बहुत फायदा पहुंचा पाएगा और न कांग्रेस को। इस बार चुनाव में ड्रग्स का मुद्दा भी चलने की उम्मीद है। देखिए, पंजाब वो राज्य जो बहादुरी के लिए, शौर्य के लिए, खेती किसानी के लिए, सैनिकों के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए जाना जाता था, वो अचानक नशे के लिए जाना जाने लगा है। वो पंजाब जहाँ के हट्टे कट्टे मूछों पर ताव देते नौजवान वहाँ के प्रतीक हुआ करते थे, वहाँ की पिछली जो पीढ़ी अब आई है और नई पीढ़ी है, उन युवाओं की पहचान ड्रग से, नशे से बन जाना, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसमें मैं कहूंगा कि इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं इसका किया जाना चाहिए। ये सही है कि राजनीतिक प्रश्रय के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीति इच्छा शक्ति होगी तो इसको खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये एक लंबी साजिश है जिसके बारे में कई सारी शोध हो चुके हैं, जांच हो चुकी है, और उसमें ये आया है कि ये इसमें ISI का एक बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ने सीमा के उस पार से ये कोशिश की है कि पंजाब में आतंकवाद भले ही खत्म हो गया हो, खालिस्तान की मांग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन पंजाब के युवाओं को नशे की जद में लाकर उनको धीरे धीरे खोखला अगर किया जाए तो उन्हें किसी तरह का आतंकवाद फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक समूची पीढ़ी को, एक समूचे राज्य को, वहां की समूची नस्ल को पंगू बना दिया गया है, और जो जमीनी स्थिति है वो दरअसल उस स्वरूप में सामने ही नहीं आ पाई है देश के जिस तरीके से आना चाहिए। लगातार खबरें आई हैं कि मंत्री नेता इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती ये समझ से परे है। पठानकोट का जो हमला हुआ उसमें जो SP सलविंदर शामिल थे, ये बात सामने आई कि वो भी इस ड्रग्स के, नशे के व्यापार में कहीं ना कहीं लिप्त है, उसकी जांच नहीं हुई, बात आगे नहीं बढ़ी, क्या हुआ पता नहीं, वो किन नशे के सौदागरों से मिलने सीमा तक गए थे या सचमुच दरगाह तक गए थे इसकी जांच नहीं हो पाई। तो अगर आला अधिकारी, आला राजनेता इस तरह की घटनाओं में शामिल है तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर चुनाव पर भी हावी रहेगा। चुनाव पर हावी रहना ही इसके लिए काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसको अगर कोई ठोस तरीके से हल करे, कोई भी सरकार अगर इसको खत्म करने की बात करे, तो ही इस भयावह नशे के जो जाल में पंजाब का युवा फंस चुका है उससे उनको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल JJ सिंह अकाली दल से जुड़ गए हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा उन्हें? मिल सकता है। देखिए, सेना का सम्मान अभी भी पंजाब में बहुत ज्यादा है, कितने वोटों को वो प्रभावित कर पाएंगे ये तत्काल कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो दल बदल की प्रक्रिया है लगातार चल रही है। आप देखिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में 92 साल के नारायण दत्त तिवारी अगर अपनी कांग्रेस की इतनी लंबी आस्था, हालांकि उन्होंने एक ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ पहली बार ही विश्वास, उन्होंने खुद की तिवारी कांग्रेस भी बनाई थी उस जमाने में जब नरसिम्हा राव थे, और उस जमाने में जब गांधी परिवार के बिना कांग्रेस लगभग लगातार टूट रही थी, उसी जमाने में शरद पवार भी अलग हुए थे, अर्जुन सिंह भी और नारायण दत्त तिवारी भी। लेकिन अब इस समय में नारायण दत्त तिवारी का अलग होना, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाना, और यहाँ पर पंजाब में जो हो रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू का वहां जाना, JJ सिंह का यहाँ आना, ये हर बार चुनाव के समय ऐसा होता है, कुछ नेता पार्टियां बदलते हैं
उससे समूचे परिणामों पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो एक सीटों का मामला आ जाए और केवल सरकार उसी वजह से बनती या बिगड़ती हो, तब इस तरह का दल बदल जो है वो निश्चित तौर पर परिणाम मूलक हो सकता है। और क्या भगवा गठबंधन जो है पंजाब में तिकड़ी बना पाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसा अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़े इस भगवा गठबंधन की राह में अगर कोई रोड़ा है तो वो यही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी इस अकाली दल की सरकार के साथ शामिल है, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है। आपने नशे के मुद्दे की बात की, नशे के मुद्दे को लेकर भी सरकार के ऊपर ही लगातार आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए था इन सब मुद्दों पर वो नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है उसका खामियाजा न केवल भगवा गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कि लगातार अभी राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने बहुत जरूरी है, बिहार की बड़ी हार उनके सामने है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की बड़ी चुनौती उनके सामने, पंजाब एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन जाता है, 117 सीटें वहां पर है, और इन 117 सीटों को जीतने के लिए जो जंग होने वाली है उसमें वर्तमान जो सरकार है, जिसने गठबंधन करके अकाली दल ने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, सबसे बड़ा तो प्रहार इन्हीं के ऊपर होगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही सारा चुनाव का अभियान हमेशा विपक्षी पार्टियों का केंद्रित होता है सत्ता को हासिल करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल का नाम भी आगे किया है, इससे क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? मुझे लगता है इससे फायदा कम नुकसान ही ज्यादा होगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली के ही रहेंगे, दिल्ली में उनको गलतियों का एहसास हो चुका है, एक बार दिल्ली की गद्दी छोड़ने की गलती वो कर चुके हैं, और मनीष सिसोदिया वहां पर अभी चुनाव प्रचार के दौरान अगर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही चेहरा होंगे, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा खामियाजा ये होगा कि इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, जो कि सच भी है। वो केवल भगवान मान के ऊपर तो कर नहीं सकते, वो दिक्कत भी है उनको सामने लाने में, तो अब आम आदमी पार्टी की दुविधा यह है कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, इसीलिए मजबूरी में शायद अरविंद केजरीवाल को कहा गया है कि आप उन्हीं में मुख्यमंत्री का चेहरा देखें। लेकिन आने वाले समय में अगर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय हसरतें हैं अन्य राज्यों में भी उनको दिल्ली का अपना करिश्मा दोहराना है, तो निश्चित तौर पर उनको और ऐसे चेहरों को सामने लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अभी खुद की ही मुश्किलों से जूझ रही है, आम आदमी पार्टी में लगातार विरोध हुआ है, लोगों ने भरी सभा में टिकट बेचे जाने के आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार प्रहार हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी को अब संगठन के रूप में अपने आप पर बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली में विद्रोही स्वरों के साथ वो बिगुल बजाकर जीत गए और जनता ने उनकी गलतियों को माफ करते हुए इतनी बड़ी एनडीए की जीत के बावजूद उस महाविजय के रथ को रोकते हुए दिल्ली में इतनी बड़ी जीत दी है, उस जीत को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। और आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर पंजाब पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, यह केवल उनका नहीं दूसरे राजनीतिक पंडितों का भी गणित है, साफ दिखाई देता है कि इतनी बड़ी मोदी लहर में वो आम आदमी पार्टी जो पहली दफे इस तरीके से अपने सांसद खड़े कर रही थी, देश भर में खड़े किए थे उन्होंने, खुद अरविंद केजरीवाल बनारस से जाके लड़े थे, कुमार विश्वास अमेठी से जाके लड़े थे, इन सबको मुंह की खानी पड़ी, मेधा पाटकर जैसे लोगों को उन्होंने साथ में जोड़ा था, उनके बावजूद भी उनका चुनाव अभियान संसद की देहरी लांगने में अच्छे से सफल नहीं हुआ, अगर कहीं से सफलता उनको मिली थी तो पंजाब से मिली थी, उस सफलता को आगे बढ़ाने के लिए दरअसल उनको अभी तक कोई ना कोई अच्छा चेहरा पंजाब में ढूंढ लेना था, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री तो जाहिर है वो नहीं बन सकते, तो आम आदमी पार्टी को अभी अपनी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, तब जाकर पंजाब की जीत की ओर नजर लगा सकते हैं। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे पंजाब विधानसभा चुनाव की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।